हाँ निकाले जी। हाँ खाली होगी। ठीक है जी, ठीक है जी, एक बार फेंट देंगे। पकड़ी तो जी लगभग 9 के नजदीक हो गया जी। मैंने 17 लीटर बताया था जी। जी ठीक है, तो 8.5 चार टाइम 6 टाइम किसी प्रकार से अपने हाथों से आके मिल्किंग करें जी। बिल्कुल सही है, ये इनकी जिम्मेवारी भी है। यहाँ पर आप जो है 2 से 4 टाइम चाहे 10 दिन टाइम टू टाइम घड़ी में टाइम देख के मिल्किंग करें जी, हमें जी, कोई एतराज नहीं। ठीक है, लेकिन आगे की हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है जी। तो इसमें जैसे आपने एक समय की मिल्किंग करवाई, तो अब लगभग 5:30 के आसपास टाइम है, तो सुबह क्या टाइम रहेगा मिल्क? लगभग 6:45 बजे। 6:45 बजे तो देख सकते हैं काफी अच्छा दूध उत्पादन है। हाँ। तो कोई भी इच्छुक बायर है या और कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं तो इस पशुधन के लिए जो है सर के साथ संपर्क कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से जो है इनके पशुधन का ऑर्डर आपको हाँ दिखाना चाहूंगा। नींबू की तरह निचुड़ जाएगी जी। जी जी, तो आप थनों की बनावट यहाँ देख सकते हैं। तो पहले दूध के टाइम की वजह से जो है जो थन जो आपको थोड़े मोटे भी दिखाई दिए होंगे, अभी आप यहाँ सेब देख सकते हैं। काफ़ी शानदार पशुधन हम कहेंगे, अच्छा दूध उत्पादन है, काफ़ी शानदार। तो कोई भी इच्छुक बायर है तो सर के साथ संपर्क कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ जी कि 22-23 लीटर की पक्का उम्मीद करता हूँ जी। 22 लीटर हाँ जी जी, तो काफ़ी अच्छा है। तो आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई। अगर आपने इसको पसंद किया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।